खगड़ा का अविनाश बना नवगछिया टॉपर। नवगछिया के खगड़ा गांव निवासी पंडित शंभुनाथ वैदिक और लता देवी का पुत्र अविनाश कुमार ने मैट्रिक की परीक्षा में 473 अंक लाकर नवगछिया अनुमंडल 5 जिला टॉपर्स में अपना स्थान बनाकर नवगछिया का नाम रोशन किया। नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न विद्यालयों के परीक्षा परिणाम में अविनाश कुमार अव्वल आया है। मैट्रिक परीक्षा में अच्छा रिजल्ट आने पर अविनाश और उसके अभिभावक बेहद खुश हैं। अविनाश ने कहा कि उसका लक्ष्य यूपीएससी की परीक्षा को पास कर आईएएस बनने का है। इसके लिए उसने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मालूम हो कि अविनाश के पिता शंभुनाथ वैदिक इलाके के जाने माने पंडित और संस्कृत के शिक्षक हैं। अविनाश के अच्छे नंबरों से पास होने पर उसके चचेरे भाई पंडित अश्विनी कुमार ने कहा कि अविनाश में सिर्फ गांव परिवार का ही नहीं बल्कि नवगछिया का नाम रोशन किया है। अविनाश पुलिस उन लोगों को काफी उम्मीद है। मेरा नाम अविनाश कुमार है, मेरा घर खगड़ा है और मुझे मैट्रिक में 473 अंक 500 में से प्राप्त हुए हैं। मेरा विद्यालय मैं साहू उच्च विद्यालय साहूपुरता का विद्यार्थी हूँ और मुझे गणित में 100 में 100 पूर्ण अंक प्राप्त हुए। आपने किस तरह तैयारी की और इसका श्रेय किसे देंगे? मेरी तैयारी बहुत ही, आप जानते हैं कोरोना के कारण पूरा पढ़ाई ठप था, ना ऑनलाइन क्लास होता था ना कुछ होता था, टीवी में उतना अच्छा से नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए हम अकेले में पढ़ते थे, एकांत में रहते थे और हमें लॉकडाउन में घर के सभी सदस्यों द्वारा सपोर्ट मिला और हम अकेले भी पढ़ते थे और सभी का मदद मिला और हमारे गांव के कुछ भैया सर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया और बहुत ज़्यादा मदद किया, जो मेरे इस रैंक को या इस नंबर को लाने के लिए बहुत ज़्यादा उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कोरोना काल के बीच परीक्षा हुई, मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा आएगा क्योंकि कोरोना काल के बीच परीक्षा हुई और उसमें पढ़ाई लिखाई हुई नहीं थी, तो परीक्षा से पहले हम बहुत नर्वस थे, सोच रहे थे कि कैसा जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा, हम अपने परिवार की आशंकाओं पे खड़े हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया और हम अच्छा कर सकते थे, थोड़ा और मेहनत कर सकते थे, लेकिन अब ये मेहनत हम अभी रोकेंगे नहीं, इसको और जारी रखेंगे, आगे और अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया नंबर लाएंगे और बिहार टॉप में हम। आपका सपना क्या है, आप क्या सपना है आपका? मेरा सपना है कि हम आगे बहुत बहुत अच्छा से पढ़ाई करना चाहते हैं और कोई रिस्पेक्टेड जॉब लेना चाहते हैं। मैं अर्चना आर्या, अविनाश की बड़ी बहन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका ये प्राप्तांक आया है मैट्रिक में और इसकी पढ़ाई लगन देख के मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा भाई जिला में टॉप पर आया है और बहुत मेहनत किया, लेकिन मुझे इस लॉकडाउन में जो पिछले साल हुई तो मुझे बहुत ये लग रहा था, डर लग रहा था कैसे करेगा, क्या करेगा, कैसे इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत परेशानी हुई, बहुत को परेशानी हुई पढ़ने में, मुझे भी हुई कैसे करूँगी, लेकिन मैं इसके साथ बैठती थी, मेरे साथ पढ़ता था, अच्छा पढ़ा और मेहनत बहुत किया, जो रिजल्ट आया हम उससे बहुत खुश हैं। आगे इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं, इंटर के रिजल्ट में ये और अच्छा प्राप्तांक लाए। मैं अविनाश की मम्मी और मुझे बहुत खुशी है इसके इस रिजल्ट से और आगे उम्मीद करती हूँ कि और भी अच्छा करेगा और ये पढ़ता था अच्छे से और आगे भी अच्छे से ही पढ़ेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अविनाश की बहन हूँ और बहन के साथ साथ मैं उसकी शिक्षिका भी हूँ। मैंने उसे पढ़ाया है, बचपन से पढ़ाया और एक साल मैंने उसे बाल भारती विद्यालय में भी पढ़ाया, उस टाइम वो क्लास 7th में था और वह शुरू से ही बहुत अच्छा स्टूडेंट तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन बहुत ही मेहनती स्टूडेंट ज़रूर था और आज उसका मेहनत ये रंग लाया है और वह मेहनती के साथ साथ एक अनुशासन प्रिय भी था और हम मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह मेरा बहुत ही ज़्यादा चहेता है और यह बहुत ही अनुशासित है, मैं इसे बहुत ही दिल से मानती हूँ और आज का मेरा इसका जो रिजल्ट है इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। इस खुशी को मैं किस तरह व्यक्त करूँ ये मैं नहीं कह सकती, मैंने उम्मीद तो किया था कि यह अच्छा करेगा लेकिन इतना अच्छा करेगा यह मैंने नहीं सोचा था, फिर भी इसने ऐसा किया और आगे मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यह आगे जाकर के मेरा और नाम रोशन करेगा, एक बहन के रूप में और एक शिक्षिका के रूप में,
मैं इसे बहुत ही आशीर्वाद देती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि यह हमारा हमारे परिवार का नाम रोशन करे। और मेरा नाम पंडित अश्विनी कुमार शास्त्री है, मैं खगड़ा गांव का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई अविनाश कुमार जो मैट्रिक परीक्षा में 500 में से 473 नंबर प्राप्तांक प्राप्त किया है, यह बच्चा बहुत ही बचपन से ही अच्छा था और अनुशासित था और आंगन में सबके प्रिय थे, अपने गुरुजनों के भी अति प्रिय थे। और इस बच्चे को इस रैंक तक पहुंचाने के लिए गांव के भी कुछ व्यक्ति का सहयोग है जिसे मैं भूल नहीं सकता हूं। कोरोना काल की ऐसी परिस्थिति में जहां कोचिंग और स्कूल बंद थे, वहां अभिभावक के तौर पे कुछ व्यक्ति जो भागलपुर पटना में तैयारी करते थे वो घर पे आए थे और उन्होंने इनके ऊपर मेहनत किया और इस बच्चे पे बहुत ही अच्छी सफलता लाई इस बच्चे ने। इसका मेहनत का रंग सार्थक हो गया और हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है आगे चलकर यह बच्चा जरूर ही एक IAS ऑफिसर के रूप में